दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबले में रोहित शर्मा का जमकर बल्ला बोला और इस बीच उन्होंने ऐसे छक्का मारा जिसको देखने के बाद रोहित शर्मा की धर्मपत्नी रितिका और हार्दिक पांड्या की पत्नी नताशा की आंखें फटी की फटी रह गईं। तो चलिए बताते हैं आपको रोहित शर्मा की शानदार छक्के के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित शर्मा और ऋषभ पंत में कौन है बढ़िया सिक्सर किंग? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच आईपीएल 2021 के 14वें सत्र का 13वां मुकाबला चेन्नई के चिदंबरम स्टेडियम में खेला गया। आपको बता दें कि इस मैच का टॉस जीता था मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। मुंबई इंडियंस की शुरुआत बेहद खराब रही थी क्योंकि सलामी बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक एक रन के स्कोर पर ही मार्कस स्टोनिस की गेंद पर ऋषभ पंत को अपना कैच दे बैठे। इस बीच तीन नंबर पर बल्लेबाजी करने आए थे सूर्य कुमार यादव, जिन्होंने आते ही बेहतरीन शॉट खेले जिसकी वजह से मुंबई इंडियंस की टीम दबाव से बाहर निकल आई थी। लेकिन रोहित शर्मा तो आज शुरुआत से ही अलग अंदाज में ही बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। रोहित शर्मा ने पहले तो रविचंद्रन अश्विन के ओवर में एक शानदार चौका और कवर के ऊपर से एक बेहतरीन लंबा छक्का लगा दिया, लेकिन इसके बाद रोहित शर्मा पूरी तरह से आक्रामक हो चुके थे और दिल्ली कैपिटल्स का कोई भी गेंदबाज रोहित शर्मा के ऊपर दबाव बनाने में कामयाब नहीं हो सका। ऐसे में कप्तान ऋषभ पंत ने रबाडा की तरफ अपना रुख किया था और रोहित शर्मा ने रबाडा के पांचवें ओवर की पांचवी गेंद पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से इतना लंबा छक्का मारा कि गेंद सीधा सबसे ऊपर वाले स्टैंड से जाकर टकराई और नीचे गिरी और ये छक्का देखकर तो नताशा और रितिका की आंखें भी फटी की फटी रह गईं। छक्के के साथ तो मुंबई इंडियंस का खेमा बहुत ही खुश नजर आया और मुंबई इंडियंस की टीम पूरी तरह से बेहतरीन स्थिति में आ चुकी थी। दोनों ही छोरों से पिटाई हो रही थी और रोहित शर्मा का ये छक्का देखकर तो शिखर धवन भी पूरी तरह से दंग रह गए क्योंकि एक मैच में रोहित शर्मा और शिखर धवन के बीच खतरनाक चैलेंज मैच से पहले ही देखने को मिला था टॉस के दौरान। लेकिन दोस्तों रोहित शर्मा का ये खतरनाक अवतार देखकर तो दिल्ली कैपिटल्स की टीम पूरी तरह से डर के माहौल में, क्योंकि रोहित शर्मा ने 95 मीटर लंबा छक्का मारकर सभी की सांसें रोक दी। मुंबई इंडियंस की टीम एक मजबूत स्थिति में आ चुकी थी और शुरुआती 6 ओवर में 55 रन बना लिए थे। इसके बाद अगले ओवर में आवेश खान की गेंद पर रोहित शर्मा ने एक पुल शॉट मारा और छक्का लगा दिया। दिल्ली कैपिटल्स के सभी गेंदबाजों की रोहित शर्मा ने जमकर पिटाई लगाई, फिर चाहे वो स्पिन गेंदबाज हो या पेसर गेंदबाज हो, रोहित शर्मा के ऊपर कोई भी किसी का असर नहीं पड़ा। लेकिन दोस्तों तारीफ करनी होगी रोहित शर्मा की बल्लेबाजी की, जिन्होंने सभी को अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से घायल किया। लेकिन दोस्तों आप रोहित शर्मा के इस गगनचुंबी छक्के को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।